हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजाइनिंग डायरी। सो पार्ट टू है, ये पश्मीना शॉल का पार्ट टू है। पश्मीना शॉल के बारे में आपको पता ही था क्या होती है। चलो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, नहीं तो आपको लगेगा यार ये इंसान तो क्या है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। नहीं यार, मैं आपको समझा देता हूँ। पश्मीना, हमने फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी पश्मीना शॉल की। पश्मीना शॉल किससे बनती है? चेंगथांगी गॉड्स के बालों से। पूरी शॉल उनके बालों से बनती है। कोई भी मतलब फैब्रिक, इसका पूरा फैब्रिक बनता है उसके बालों से। तो यार उस दिन तो फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने देख ली। फर्स्ट पार्ट में पश्मीना शॉल में तो वाइट कलर की आपको दिखाई थी, ऑफ वाइट कलर की, जिसमें उन्होंने खाडवा करा। आज दूसरी पश्मीना शॉल की बारी है। तो यार ऐसा लग रहा है सेकंड वीडियो और सेकंड पार्ट के अंदर सेकंड पश्मीना शॉल को देखते हैं, है ना। मैंने बोला था ना, दूसरी वाली पश्मीना शॉल पहले वाले से एकदम हटके है और बहुत ही ज़्यादा मस्त है यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मुझे भी पता है, आपको देख के भी लग रहा है, पर्पल कलर की यार पश्मीना शॉल। तो इसके अंदर करा क्या हम लोगों ने? देखो मेरे मतलब मेरी मम्मी का आइडिया, देखो मेरे मॉम ने करा ये, इसके ऊपर खाट वर्क और एम्ब्रॉयडरी वर्क से इसकी थोड़ी शोभा बढ़ा दी मम्मी ने। इसकी बाउंड्रीज पे थोड़ा एम्ब्रॉयडरी वर्क और खाट वर्क कर दिया, आप देख रहे हो ना, चारों चार बाउंड्रीज पे कर दिया। पूजा सेम सेम, देखो सेम है यार, मोतियों का वर्क करा है हम लोगों ने, सेम टू सेम मोतियों का वर्क करा है। इसकी बूटी डाल दी, छोटी छोटी बूटी स्प्रेड कर दी हम लोगों ने पूरी शॉल में। और जो इसका ये है यार, देख ही रहो आप लोग, इसका वर्क फ्लावर वर्क करा है हम लोगों ने पूरा, मतलब इसके जो हम लोगों ने मोटिव डाले है साइड में, पूरी फ्लावर के ऊपर से हम लोगों ने डाल दिए। देख रहो ना यार, है ना, जोरदार है ना, बढ़िया। चलो अब मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ पश्मीना शॉल। सो यार आप सभी देख ही रहे हो पश्मीना शॉल को, मेरे हमारी पश्मीना शॉल पर्पल कलर की। देखो ये उसका है ना, ऊपर जो काम किया हम लोगों ने ये करा है, अच्छा लग रहा है ना वर्क। थैंक यू, अच्छा ही लग रहा होगा आप लोगों को, नहीं लग रहा तो यार सजेशन दे देना बॉस बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में सजेशन दे देना कुछ चेंज करना हो तो, सो आपका आइडिया मतलब मैं अप्लाई कर सकूं। सो यार आपने देख तो लिया, अब सेकंड पार्ट में भी सेकंड पश्मीना देख ली। अब मैं आपको उसका प्राइस बता रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा इसका प्राइस तो यार उसका 10,000 था, तो इसका कितना, ये भी 10,000 की है, मतलब 10,000-11,000 के अप्रॉक्स है। सो यार ये पश्मीना शॉल मोस्टली आपको ऑर्डर करनी हो ना यार, मैं आपको बता दूँ। सो यार आप लोग ये ब्यूटी एक्सपीरियंस ही ऑर्डर करना है, क्योंकि ये पश्मीना शॉल या तो डायरेक्ट, ये सारी की सारी शॉल जम्मू एंड कश्मीर में बनती है, जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में से, मतलब थोड़ा उनका भी प्रोडक्शन हाउस है। सो यार कभी भी आप मंगाओ या तो कोई रिटेल के पास से मंगाओ तो चेक कर लेना है पश्मीना शॉल सॉफ्ट को। आपको इसकी मार्केट में नकली भी बहुत घूम रही है, मुझे पता है, ये मेरे पास ओरिजिनल है पर लो क्वालिटी ओरिजिनल ही है, मीडियम भी बोल सकते हो। सो कभी भी जाओ आप तो चेक कर लेना, और मैं आपको उसका तरीका बता दूँ चेक करने का। कभी भी ये शॉल आप मतलब जो ले रहे हो तो उसको आप टच करोगे यार, तो यार आप बोलोगे सब कपड़ा तो सेम होगा, तो मैं इसकी एक आपको खासियत बता दूँ। देखो जो पश्मीना शॉल होंगी ना यार, तो आप यहाँ हल्का हल्का थोड़ा देख रहे होंगे बाहर की तरफ निकलेला है, हल्का हल्का आप देख रहे हो ना यार, फोकस करके भी हो रहा है। तो देखो इसके जो साइड में, और अगर ये नकली होगी ना यार, तो अगर ये नकली है तो यहाँ पे धागा दिखेगा आपको, जो धागा आप कपड़े में देखते हो, और अगर ये असली हुई ना तो आपको धागा नहीं दिखेगा, थोड़ा रेशा दिखेगा, रेशे रेशे दिखेंगे आपको, थोड़ा रेशा रेशा दिखेगा। कभी भी लो यार पश्मीना शॉल तो आप ध्यान से देख लेना, उसके साइड में थोड़ा थोड़ा उसका हल्का रेशा दिखेगा, और ये फट्टी तो है, फट्टी तो है पर फटेंगी ना तो उसमें रेशा रेशा हो जाएगा वून टाइप। सो यार ये मेरी सेकेंड वीडियो थी पार्ट टू, और पार्ट थ्री अब आने वाला है, तो उसमें एक और डिफरेंट कलर के साथ पश्मीना शॉल रेडी है, वेट कर रहे हो ना, थर्ड पार्ट में देख लेना आप। सो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड इन डिजाइनर्स डायरी।
और यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर भी कर देना यार, दूसरों अपने फ्रेंड व्रेंड को शेयर कर देना और सब्सक्राइब करने का भी बोलना यार। दिल खुश हो, मुझे अच्छा लगता है जब कोई वीडियो को दिखता है, लाइक करता है और उसमें सब्सक्राइब करो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टाटा, मिलते हैं पार्ट 3 में। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, डिज़ाइनर्स डायरी।